नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं उरी शोभा। आई बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के सम्मान में अंजाव जिले के कीभीतो मिलिट्री कैंप का नामकरण जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन किया गया और नवनिर्मित गेट का हुआ उद्घाटन। वालोंग से कीभीतो के बीच 22 किलोमीटर लंबे जनरल बिपिन रावत मार्ग को राष्ट्र को किया गया समर्पित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, केंद्र सरकार विज्ञान आधारित विकास के दिशा में कर रही है काम। राज्य सरकारों से अधिक वैज्ञानिक संस्थाओं के निर्माण और प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर जोर देने का किया आग्रह। अरुणाचल सरकार ने मुख्यमंत्री पर आय से अधिक संपत्ति के आरोपों को बताया निराधार। सरकार के प्रवक्ता विधायक न्यातो दुकुम ने कहा, मुख्यमंत्री पेमा खांडू राजनीति में आने से पहले से ही बिजनेसमैन और वर्ष 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव में अपनी आय का दिया है ब्यौरा। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के सम्मान में अंजाव जिले के कीभीतो मिलिट्री कैंप का नामकरण जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन किया गया है। जनरल बिपिन रावत ने वर्ष 1999 से 2000 तक गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन के कर्नल थे। राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू, सेना की ईस्टर्न कमांड के जीओसी और जनरल बिपिन रावत की पुत्रियों की मौजूदगी में जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन के नवनिर्मित गेट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर वालोंग से कीभीतो के बीच 22 किलोमीटर लंबे जनरल बिपिन रावत मार्ग को राष्ट्र को समर्पित किया गया। उनको हम याद करने के लिए करता है और उन्हीं के नाम पर आज ये गैरिसन इसका नाम रखा जा रहा है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने यहाँ से बलान तक की सड़क का नाम उनके नाम पर रखा है। जनरल काल पुरुष, हर एक पुरुष क्योंकि देश के लिए कुछ करता है, राष्ट्रहित में कुछ करता है, देश के नागरिकों के लिए कुछ करता है, देश की सुरक्षा के लिए कुछ करता है और देश की रक्षा के लिए कुछ करता है, उसका नाम तो सबसे आदरणीय होता है। जनरल अपने लंबे मुख्य करियर में उन्होंने जो जो काम किए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी से उन्होंने जब अपना प्रशिक्षण शुरू किया तब से लेकर के और अपने लास्ट दिन तक वो प्रशंसनीय। और साथ ही साथ इस आज मॉर्निंग को जो ये इवेंट हुआ तो हमारा जीओसी साहब ने जो बिपिन रावत साहब का जो हिस्ट्री जो पढ़ा, हम सबके लिए बहुत ही गर्व का बात है कि फौज में बहुत एक इम्पोर्टेंट एक चैप्टर ऑफ सर्विस जो कमांडिंग ऑफिसर के रूप में जनरल बिपिन रावत जी इसी सेक्टर में इसी गैरिसन को उन्होंने जो कमांड यहाँ पे सक्सेसफुली कमांड किया है, हम सबके लिए बहुत ही एक गर्व का बात है। और मैं आज अपने इंडियन आर्मी और यहाँ की जो जनता है आप सबको मैं ये एश्योर देने के लिए आया हूँ क्योंकि अभी ये कीभीतो गैरिसन जो है जनरल बिपिन रावत का नाम से जुड़ गया है। नाउ इन कमिंग डेज ये जो फॉरवर्ड जो हमारा जो लोकेशन में ये गैरिसन जहाँ उपस्थित है बिपिन रावत साहब का नाम जुड़ गया है, इसलिए पूरे देश में ये वन ऑफ द बेस्ट गैरिसन का रूप में आने वाला दिनों में इसको हम लोग नक्शा हम लोग बदलेंगे। और इस साल हम लोग ने सरकार ने लिए हम लोग ने फैसला ले लिया है कि इस गैरिसन को फेसलिफ्ट करने के लिए इस साल राज्य सरकार की ओर से 10 करोड़ का फंड गैरिसन के लिए उपलब्ध किया जाएगा। An acknowledgement of General Rawat's selfless service to the nation. Today, Kibito Military Garrison is being redesignated as General Bipin Rawat Military Garrison, and a grand gate in a traditional Mayor and Buddhist style is being inaugurated, which will be symbolic of this redesignation. The Wulong Kibito Road, which was operationalized during his time, is being dedicated in the General's memory as the General Bipin Rawat Road. In addition, a life-size mural of the general is being instated at the site to inspire generations to come. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार
विज्ञान आधारित विकास की दिशा में काम कर रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार के प्रयासों से भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक में 46वें स्थान पर पहुंच गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित अनुसंधान को स्थानीय स्तर पर ले जाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब देश अपने वैज्ञानिकों की उपलब्धियों का जश्न मनाता है तो विज्ञान समाज और संस्कृति का हिस्सा बन जाता है। श्री मोदी ने राज्य सरकारों से अधिक वैज्ञानिक संस्थाओं के निर्माण और प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर जोर देने का भी आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के उच्च शिक्षा संस्थाओं में भी इनोवेशन लैब की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज का नया भारत जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। ऊर्जा की तरह है जिसमें हर क्षेत्र के विकास को हर राज्य के विकास को बहुत गति देने का सामर्थ्य है। आज जब भारत चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व करने की तरफ बढ़ रहा है तो उसमें भारत की साइंस और इस क्षेत्र से जुड़े लोगों की भूमिका बहुत अहम है। ऐसे में नीति निर्माताओं का, शासन प्रशासन से जुड़े हम लोगों का दायित्व और बढ़ जाता है। इनोवेशन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों को ज्यादा से ज्यादा वैज्ञानिक संस्थानों के निर्माण पर और प्रक्रियाओं को सरल करने पर बल देना चाहिए। राज्यों में जो उच्च शिक्षा के संस्थान है उनमें इनोवेशन लैब्स की संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए। आजकल हाइपर स्पेशलाइजेशन का दौर चल रहा है। राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्पेशलिस्ट लेबोरेटरीज की स्थापना की जा रही है, उसकी आवश्यकता भी बहुत है। इसमें केंद्र के स्तर पर राष्ट्रीय संस्थानों के एक्सपर्टाइज के स्तर पर राज्यों ही। अरुणाचल प्रदेश सरकार के प्रवक्ता विधायक न्यातो दुकुम ने कहा है कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू राजनीति में आने से पहले बिजनेसमैन है और कुछ संगठनों द्वारा उन पर स्रोत से अधिक आय के लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद है। राज्य सचिवालय ईटानगर में आज संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री दुकुम ने कहा कि वर्ष 2014 और 2019 के विधानसभा चुनावों में श्री खांडू ने अपनी आय का ब्यौरा दिया था। पहले से ही ऑलरेडी ही वाज अ प्रोग्रेसिव बिजनेसमैन, दैट एवरीबॉडी नोस। किसी को पता नहीं है ऐसा कोई बात नहीं, सबको पता है। ही वाज ऑलरेडी अ कॉन्ट्रैक्टर, ही वाज ऑलरेडी अ बिजनेसमैन, दैट टू अ प्रोग्रेसिव बिजनेसमैन। उस समय वो पॉलिटिक्स के बारे में सोचा ही नहीं था। उस समय से वो अर्न कर रहा है, वो बिजनेस अच्छा बिजनेसमैन है। यहाँ नॉट ओनली इन स्टेट, इज डूइंग बिजनेस आउटसाइड द स्टेट ऑल्सो। तो दिस अप्रोप्रिएट होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात यहां बता दू। अच्छा, 2014 का जो इलेक्शन एफिडेविट में उन्होंने अपना जो एसेट है वो दिखाया 123 करोड़, एफिडेविट में दिखाया गया, छुपाया नहीं गया। बाकायदा इलेक्शन एफिडेविट में बताया कि हमारा 123 करोड़ का एसेट है। उसके बाद 19 इलेक्शन में 163 करोड़ का उसने एफिडेविट इलेक्शन एफिडेविट किया, तो उसका ग्रोथ हुआ 40 करोड़ का ग्रोथ हुआ ये 5 साल के बीच। अच्छा, जिसके पास 123 करोड़ का एसेट है उसका एसेट क्या बढ़ेगा नहीं क्या?
उसका ऐसे जो बैंक में जो पैसा रखता है, जो इन्वेस्टमेंट करता है, जो कामकाज करता है, वो बढ़ेगा नहीं तो क्या घटेगा क्या? जिंदाल कंपनी ऑफ इंडस्ट्रीज वो बहुत बरसों से पहले से ही ये करता था, बिजनेस करता था, उन लोग बिजनेस फैमिली है। नवीन जिंदाल पॉलिटिक्स में आया क्या? पॉलिटिक्स में आने के बाद मंत्री बनने के बाद क्या वो बिजनेस छोड़ दिया क्या? वो नहीं छोड़ा तो पेमा क्यों छोड़ेंगे? पेमा गांधी जी क्यों छोड़ेंगे? उसका अपना ये है, प्रोफेशन है। और यहां तक भी कहा जाता है कि उसका हमेशा जब मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अरुणाचल असम सीमा विवाद के जल्द सर्वमान्य हल निकलने की उम्मीद जताते हुए कहा है कि दोनों राज्य की सरकारें रीजनल कमेटियों के माध्यम से स्थानीय लोगों को विश्वास में लेकर समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में आगे बढ़ रही है। ईस्ट कामेंग जिले के रुकसीम में शुक्रवार को सोलंग उत्सव समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री युवाओं से नशे की लत से दूर रहने और सदियों से चली आ रही सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की अपील की। उन्होंने लोगों से केंद्र और राज्य सरकार की आत्मनिर्भर भारत योजना का लाभ उठाकर स्टार्टअप शुरू करने और दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा करने की अपील की। है कि हर एक ट्राइब का जो भी त्यौहार होता है हमारा रिच कल्चरल आइडेंटिटी को हम लोग शो केसिंग करने का एक ओकेजन हम लोग मिलता है ताकि दूसरा लोग अपना कल्चर के बारे में हम लोग दिखा पाए। और इस बार जो बंगो सोलोंग सेलिब्रेशन जो यहाँ रुकसिन में मना रहा है, आप लोग ने कोई भी कसर नहीं छोड़ा है अपना आदि समाज के रिच कल्चरल हेरिटेज को प्रेजेंट करने के लिए, तो मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो देखिए हमारा जो कल्चर जो होता है, अपना आइडेंटिटी, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और हमारा जो यंग जनरेशन है जो आज स्कूल्स में है, कॉलेजेस में है, जो हमारा फ्यूचर है, उनको अपना कल्चर के बारे में हम लोगों को अच्छे से अवगत करना, उन लोगों को जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस सोलंग त्यौहार के जरिए से हमारा आदि समाज की जितनी भी जो पुराना परंपरा है, सांस्कृतिक जो परंपरा है, ट्रेडिशंस है, एज ओल्ड ट्रेडिशंस, उसको हम लोग फिर फर्दर। राज्यभर में बुगुन जनजाति का प्रमुख त्यौहार फाम खो सोवाई आज पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा, मुख्यमंत्री पेमा खांडू और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने प्रदेश के लोगों को फाम खो सोवाई पर्व की शुभकामनाएं दी है। अपने ट्वीट संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह त्यौहार सांस्कृतिक विविधता, एकता और आपसी भाईचारे का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। श्री खांडू ने राज्य में सौहार्द और समृद्धि की कामना की है। बुगुन जनजाति मुख्य रूप से वेस्ट कामेंग जिले में निवास करती है। शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर ने कहा है राज्य सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए उनके कौशल विकास को प्राथमिकता दे रही है। लोअर सुबनसिरी जिले के जोराम में स्थानीय संगठन जोराम एरिया चितुम ANN द्वारा आयोजित कल्चरल एंड स्पोर्ट्स मीट को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री ने बताया कि आत्मनिर्भर अभियान के तहत याचुली विधानसभा क्षेत्र में 198 सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं। हमारा फर्ज बनता है, मुलुक द्वितीया से हम वोमेन को रिस्पेक्ट करना है। आज हमारे शिक्षण याचुली असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं गर्व के साथ बोल सकता हूँ, आज शिक्षण याचुली असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो सुधार आया, जो अच्छा चीज आया, जो अल्प वस्तु का आपने वालों को बिकॉज ऑफ मुलुक धन तो लोग नियम गम सोल मुलुक शिक्षण याचुली असेंबली जो 198 सेल्फ हेल्प ग्रुप दोपा 198 सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, इस सेल्फ हेल्प ग्रुप में 10-10 लोग मेंबर हैं। और आज नुल खातो हो सेल्फ हेल्प ग्रुप है 1 लाख से लेकर 50 लाख तक का अकाउंट में पैसा है। मुलुक शिक्षण कॉन्स्टिट्यूंसी से मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने शुक्रवार को रुकसीन में अति जांगछुप च्योलिंग बौद्ध मठ में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने इस बौद्ध मठ के नए भवन के निर्माण के लिए ताशी सकपा सांग एन सरकैम
प्रेयर में हिस्सा लिया। अपने एक ट्वीट में श्री खांडू ने स्थानीय समुदायों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों की सराहना की। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने शुक्रवार को गुवाहाटी में असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के बार काउंसिल्स की डायमंड जुबली कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने बार काउंसिल्स ऑफ असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की स्थापना के 75 गौरवशील वर्ष होने पर बधाई दी। विधायक बीराम वागे ने पाके केसांग जिले के गवर्नमेंट रेजिडेंशियल स्कूल सेडे का जायजा लिया। उन्होंने विद्यालय में बुनियादी सुविधाओं के विकास का आश्वासन देते हुए पंचायत सदस्यों से विकास कार्यों की गुणवत्ता की सतत निगरानी करने और कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में सहयोग का आह्वान किया। श्री वागे ने लोगों से सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने की अपील की। जो कि हमें तो मोर तो बोला एक बार मुंह दुख रहा है तो तकलीफ होता है और वो उसको बाथरूम टॉयलेट तो बहुत इम्पोर्टेंट आजकल कर लेंगे। जहाँ तहाँ में बाहर में जाएगा ये चीज़ में फॉर एम्बारेंस वो तो इसकी आयो कर मुंदे पड़े अब रहता है पड़े पड़े में और बाकी से ज़्यादा मेरे ख्याल से बाथरूम टॉयलेट जरूरी है तो है मन वो। होलोंगी इंडिजिनियस पीपल फोरम ने राज्य सरकार से दोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर की नई एयरपोर्ट का नामकरण दोनी पोलो एयरपोर्ट होलोंगी करने की मांग की है। होलोंगी में आज फोरम द्वारा अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। होलोंगी इंडिजिनियस पीपल्स फोरम के अध्यक्ष ताना पूना तारा ने कहा कि राज्य विशेष रूप से राजधानी ईटानगर के लिए महत्वपूर्ण इस हवाई अड्डे के निर्माण के लिए स्थानीय लोगों ने भूमि के साथ विकास में पूरा योगदान दिया है। उन्होंने सरकार से परियोजना स्थल और स्थानीय लोगों के योगदान को ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट का नामकरण दोनी पोलो एयरपोर्ट होलोंगी करने का अनुरोध किया। गौरतलब है कि अरुणाचल सरकार ने राज्य विधानसभा में होलोंगी में तैयार एयरपोर्ट का नामकरण दोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर से संबंधित प्रस्ताव पारित कर केंद्र नागरिक उड्डयन मंत्रालय को भेज दिया है। किशोर अवस्था के दौरान व्यक्ति में कई शारीरिक और मानसिक बदलाव आते हैं। इस दौरान उनके वजन और लंबाई का तेजी से विकास होता है। अपने तन मन को स्वस्थ बनाए रखने के लिए उन्हें सही मात्रा में पोषण के लिए संतुलित आहार बेहद जरूरी होता है। संतुलित आहार उन भोजन को कहते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, आयरन आदि प्रचुर मात्रा में है। पेश है एक रिपोर्ट। ऊतकों और अंगों के बेहतर विकास के लिए, अधिक शारीरिक श्रम करने के लिए और चयापचय प्रक्रिया को बेहतर बनाए रखने के लिए किशोर अवस्था में संतुलित भोजन बहुत ही आवश्यक है। एक थाली को अगर दो हिस्सों में बांट दिया जाए। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड 19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र है तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD News अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।